अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अब्दुल रहमान खान जी। गाइस मेरे साथ मौजूद हैं नुमान खान जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज हम गए हुए हैं हासिल वाले साइड पे दरिया देखने कि क्या सूरत हाल है। यहाँ दरिया तो यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये देखें यहाँ पर ना ज़मीनें वगैरह थी, फसलें वगैरह काश्त कर रहे थे लोग, तो वो सारी डूब चुकी हैं और सूरत हाल जो है ना वो ख़राब है। ये देखिए उन्होंने बन वगैरह दिए हुए हैं, तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। मज़ीद आगे भी जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हालात हैं यहाँ के। और यहाँ पे ना सारी फसलें वगैरह थी, वो देखें वो घर नज़र आ रहा है ना आपको, वो भी डूब चुका है, मतलब बाहर उसके पानी है। तो ये ऐसा ऐसा बढ़ता ही जा रहा है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अब थोड़ा सा बन है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही ये बन टूटेगा तो पानी ऑटोमेटिकली इस तरफ ही जाना है, क्योंकि ये लोगों की फसलें, ये देखें इधर भी फसलें वगैरह काश्त की हुई हैं लोगों ने, और जैसे ही फिर यहाँ से निकलेगा तो फसलें वगैरह तबाह होंगी और घरों को भी नुकसान होगा। यहाँ के लोग बेघर क्या, यहाँ के लोग बेघर होंगे। ये देखें गाइस, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं आराम से आराम से। और ये देखें ये घरों के साथ ना पानी आ चुके हैं, यहाँ पे भी फसलें काट की हुई थी लोगों ने। ये देखें सारा इलाका ये डूब चुका है पानी में। ये जो हम अब ये जो साइट है ना, ये हासिल वाली साइट पे, ये देखें ये सारा पानी पानी है। अब ये बांध भी दिया हुआ उन्होंने। ट्रैक्टर दरे वाली जमीन के लिए ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह खड़े वो याद बोट की ट्रैक्टर भी खड़ा ये है खड़े किमें टपाएँ। ये देखें गाइस, ये चारों तरफ पानी ही पानी है, सारा इलाका ये जो है ना पीछे की तरफ वो डूब चुका है। आगे उन्होंने बन वगैरह आर्जी तौर पर दिए हुए हैं। यहाँ पे ना इधर जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ पे हमारी भी ज़मीन थी, लेकिन आपने व्लॉग में देखा होगा हमारी ज़मीन तो कब की डूब चुकी थी। और तो पहले जो आया था ना 60-70 हज़ार क्यूसिक पानी, तो उस टाइम हमारी डूब चुकी थी। वो आगे उधर थोड़ी सा वो भी वहाँ शायद वहाँ से नज़र आएगा, वहाँ जाएंगे देखेंगे। अब ये देखें यहाँ पर ना लोगों ने VIP घर बनाए हुए हैं तो दरिया के साथ ही, लेकिन बेचारे इन्होंने बहुत ही ऊंचा बन वगैरह दिया हुआ है। लेकिन ये जो बन है ना ये रेत का है, तो ये कितना तक बर्दाश्त कर सकेगा पानी को? पानी के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। पानी वो कहते हैं ना कि पानी कतरा कतरा पत्थर पे गिरता रहे वो भी सुराख कर देता है पत्थर को भी, और ये तो फिर रेत है, रेत में क्या। और देखियो देखियो देखियो, गेयर निकालो यार, न्यू ड्राइवर हो आप। रेत में कौन चौथे गियर में चलाता है? आराम आराम के साथ चला जा। ये देखें गाइस, ये इन्होंने ना घर के बाहर बहुत ही ऊंचा बांध दिया हुआ है कि घरों की हिफाजत के लिए, लेकिन आराम आराम के साथ घरों की हिफाजत के लिए। घरों के बाहर जो है ना पानी आ चुका है बाहर बाहर की तरफ से। ये देखें ये इन्होंने अपना घर बचाने की कोशिश करते हैं। ये देखें गाइस, यहाँ तक भी पानी आ चुका है। ये 7 घर हैं, घर की हिफाजत के लिए उन्होंने बन वगैरह दिया हुआ है। ये देखें बच्चा नहा रहा है पानी में, मज़े कर रहे हैं। वो देखो वो भी है एक, अब वो देखें वो ट्रैक्टर चल रही है वहाँ पे भी। ये भी हमारे साथ मौजूद हैं कजन। जो हमने ज़मीन काश्त की हुई थी ना वो आगे वहाँ तक,
ताकि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए अब रास्ता नहीं है, ख़त्म हो चुका है, सारा डूब चुका है। मूसा, मूसा भी आया हुआ है, मूसा दरिया देखने आया है। ऐसे खड़ा थी उल्लू के पटे सीधा हो। उल्लू के पटे नीचे होके नहा रहा है, झूठ बोल रहा है, गजब बेइज्जती है। ये देखें गोबर का पानी है ना, मिक्स हुआ पड़ा, ये बच्चे नहा रहे हैं। माल पानी के बलावन के आवे तो खुद पानी इतना बहाव ना। टू फुट कुल ज्यादा है इतने। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगे आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर वगैरह आपने ज़रूर करना है। और सब्सक्राइब यार, आप जो न्यू व्यूवर्स होते हैं ना वो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते ना दुख होता है फिर, क्योंकि आपको इंटरटेन के लिए कहाँ से कहाँ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक ये भी ना करें तो फिर अफसोस होता है ना। तो सब्सक्राइब करते हैं यार, समझ रहे हो आप ही समझदार हैं आप सब। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।